मेथड से करोगे, ठीक है, और भी मेथड्स हैं, इनको दूसरे मेथड से करोगे तो ये बहुत लेंथी जाते हैं, ठीक है, पॉइंट मेथड है, ठीक है, और इसकी स्ट्रिंग की लेंथ लेके डिफ्रेंशिएट करोगे वो भी मेथड है, पॉइंट मेथड है, सिग्मा टी डॉट ए है, ठीक है, तीन चार तरह से कर सकते हो, और ऐसा नहीं है, ठीक है, बट सबसे सिंपल वाला मुझे यही लगता है, ठीक है, तो इसी से मैं बता देता हूँ। तो चलो इसका मतलब इसमें देखो कि यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन ए वन से आगे आ रहा है और ए टू से ही आगे आ रहा है, तो ये ए थ्री से नीचे जा रहा है, तो अगर मुझे इसमें टेंशन लिखूँ तो इसमें टेंशन टी इधर आएगा और ये यही स्ट्रिंग है तो इसमें भी टेंशन टी ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी टेंशन टी ही रहेगा, यहाँ पर भी टेंशन टी ही रहेगा, लेकिन इसमें जो टेंशन है वो टू टी है, क्लियर है। अब ये जहाँ नीचे रहा टेंशन ऊपर लग रहा और ये इधर, तो इसके लिए लिखो, इसके लिए लिखोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, सिग्मा टी डॉट ए लगाओ तो टेंशन कॉस जीरो, तो ए वन टी और ये प्लस ए टू टी, ठीक है, और ये माइनस टू टी ए थ्री मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए थ्री की जो वैल्यू आ जाएगी, ए थ्री की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए वन प्लस ए टू एंड डिवाइडेड बाई टू, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द ए वन ए टू ए थ्री। कहाँ यूज होगा, ठीक है, जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम ही है रिलेट करना, लेकिन इससे भी बड़े प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें ये सारे इक्वेशंस यूज होते हैं, ठीक है। चलो,